लग रहा है तो देश देख रहा है हर इसमें आप कमेंट्री कर रहे हैं। कौन सा टर्क दे रहे अमन भाई, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, बिल फाड़ो पार्लियामेंट के अंदर था, अगर बिल सिविल सोसाइटी में आए, आप जैसे पत्रकारों के पास, आप नहीं चाहते कि पत्रकारों के पास ड्राफ्ट कॉपी पहले आए, उस पर डिबेट हो, सिविल सोसाइटी में डिबेट हो, बाकी पार्लियामेंटेरियंस के पास, अगर वो बिल फाड़े तो वो उनके उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनको नकार देगी, वो अलग डिबेट है। जो बिल ट्रांसपेरेंटली पब्लिक डोमेन में आके आप उसके खिलाफ हो, एज ए जर्नलिस्ट आप उसके खिलाफ हो, उसकी उसकी कंपैरिजन पार्लियामेंट्री प्रोसीजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंट्रल हॉल पहुंच गए हैं, ये तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंट्रल हॉल पहुंच चुके हैं, 11 बजे का समय है, 11 से 12:35 तक संबोधन होगा और सबका अभिवादन इस वक्त करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं, ये पुरानी संसद में आखिरी कुछ क्षण, जिसके बाद गणेश चतुर्थी यानी कि आज गणेश चतुर्थी के दिन श्री गणेश नई संसद में कामकाज का होगा और ये सेंट्रल हॉल की तस्वीरें। पार्लियामेंट्री प्रोसीजर क्या है सर, पहले शेयर किया जाता है, जो तहसीन कह रहे हैं उनकी आपत्ति, जो मनोज भाई कह रहे हैं एक्चुअल है क्या रियलिटी सर? देखिए तहसीन जो कह रहे हैं, मुझे आश्चर्य है कि पारदर्शिता की परिभाषा एक बार फिर से बनानी पड़ेगी। मैंने आज तक इतने लंबे लोकतांत्रिक या संसदीय व्यवस्था में ये नहीं देखा है कि कोई बिल पेश होने के पहले पब्लिक डोमेन में चला जाता है। किसी में संशोधन कर रहे होते हैं या कुछ नया करने जा रहे होते हैं संविधान के संशोधन में, तब आप राय मंगाते हैं, जैसे समान नागरिक संहिता पे आप राय मंगाई, कमीशन ने राय मंगाई, वो बिल भी सार्वजनिक नहीं होता। बिल ये संसद का विशेषाधिकार है कि बिल सबसे पहले संसद सदस्यों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, उसके बाद उस बिल पे चर्चा होगी, उसके बाद अमन चोपड़ा जी भी चर्चा करेंगे, अनंत विजय जी चर्चा करेंगे और तहसीन भाई भी उसमें रहेंगे। तो मुझे लगता है कि दरअसल पिछले जो 40-45 सालों में पत्रकार और पत्रकारिता का जो क्षरण हुआ, जो न्यूज रूम में मंत्रिमंडल जहां बनते थे, है ना, वो चीजें, उन चीजों ने हमारी आदत खराब कर दी है। अमन, हमें लगने लगा कि हम कोई प्रिविलेज्ड क्लास है पत्रकार, सरकार को सबसे पहले क्या बता रहे हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर्स को वहां बैठ के मोबाइल पर अमन जी को भेज देना चाहिए कि आज हम इस पे डिस्कशन करने जा रहे हैं, ये सैलियंट फीचर्स हैं, ताकि अमन जी अपने चैनल पे चला सकें। ये जो आदत हमारी पिछले 4-5 दशकों में खराब हुई, जो पिछले 9.5 साल में बंद कर दिए गए दरवाजे उन लोगों के लिए जिनके दरवाजे हर जगह खुल जाते थे, तो उसके बाद हम लोगों ने परिभाषाएं भी बदलनी शुरू कर दी और शब्दों के अर्थ भी बदलने शुरू कर दिए कि ये सरकार तो इमरजेंसी लगा रही है, ये तो किसी को विश्वास में नहीं लेती। अरे भाई, जो संसदीय मर्यादा है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया हुआ संविधान है, उसके हिसाब से चलो। रूल ऑफ बिजनेस जो पार्लियामेंट का है, उसका में कहां पर कोई शरण हो रहा है या उसमें कहां इंट्रूजन हो रहा है, ये कोई बताए तो मैं उस पर अपनी राय दे सकूं। और अच्छी बात है कि कांग्रेस के समर्थक तहसीन भाई को चिंता पत्रकारों की हो रही है, उन पत्रकारों की जिनको बॉयकॉट लिस्ट में डालने वाले सबसे पहली कांग्रेस पार्टी, सबसे अब उनके चक्कर में रीजनल पार्टियां आपस में लड़ रही है। बहरहाल अमिताभ जी के पास जाओ, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्षी गठबंधन के नेताओं से, सांसदों से वहां पर मिलते हुए, ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सेंट्रल हॉल की तस्वीरें हैं, यहां से पुरानी संसद से नई संसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पैदल चलकर जाएंगे, हाथ में संविधान की प्रति होगी, ये ऐतिहासिक तस्वीरें हैं, ऐतिहासिक क्षण हैं। हम भी इस वक्त संसद के ठीक बाहर जो है हम वहां पर खड़े हुए हैं, क्योंकि ये आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण, सुबह 9:30 बजे कोर्टयार्ड में फोटो ऑप हुआ, 11 बजे सेंट्रल हॉल का कार्यक्रम जहां पर सारे सांसदों को पहुंचने के लिए कहा गया था, एक तरीके का औपचारिक कार्यक्रम आज ये किया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, जिसका जिक्र कल भी तमाम सांसदों ने किया, रविशंकर प्रसाद ने भी किया, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि हम सबके लिए भावुक क्षण है ये, जो तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, और सबके लिए पुरानी संसद से नई संसद में जाने के तरीके से भावुक क्षण। आपका खुद का बहुत अनुभव होगा अमिताभ जी? बिल्कुल, खासकर सेंट्रल हॉल छोड़ने का अनुभव, ये एक सेंट्रल हॉल ऐसा है अमन, जो काफी अनुभवों के बाद ही 10 साल की पार्लियामेंट की परमानेंट रिपोर्टिंग के बाद सेंट्रल हॉल के लिए इंटाइटल्ड होते थे हम। फारूक अब्दुल्ला से मिल रहे हैं, हाँ। तो ये तमाम नेताओं से मिलना ये दिखाता है कि सबका, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जितने नेता हैं किसी भी दल का हो, चाहे नेहरू हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री हो, चाहे जेपी हो, लोहिया हो, सबके योगदान को प्रधानमंत्री याद कर रहे हैं। आज अगर मनमोहन सिंह, मेनका गांधी जैसे नेताओं, शिबू सोरेन जैसे तरीके नेताओं को बोलने के लिए कहा गया है, अमन, तो ये बहुत बड़ा एक प्रधानमंत्री की तरफ से उठाया हुआ स्टेट्समैन लाइक कदम है। और मुझे लगता है कल उनका भाषण जो था ना, बिल्कुल राजनीति से परे था, एक स्टेट्समैन की तरह था, जिसमें सबको साथ लेकर चल के आगे 2047 की जो बात कर रहे हैं उस विकास की राह पर चलने की बात की। सबसे जरूरी, मेनका गांधी जो कि लोकसभा में सबसे ज्यादा समय तक सांसद,
मनमोहन सिंह राज्यसभा में सबसे ज्यादा समय तक सांसद और शिबू सोरेन लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों में मिलाकर सबसे ज्यादा समय तक। और इसका उदाहरण कल भी प्रधानमंत्री ने दिया, जिसका जिक्र भी अमिताभ जी ने किया, जो तस्वीरें भी इस वक्त हम दिखा रहे हैं। विपक्षी सांसद है, मेनका गांधी बोलेंगी, मनमोहन सिंह बोलेंगे, शिबू सोरेन बोलेंगे, सबको बोलने का मौका दिया गया क्योंकि ये सांझी विरासत है। नेहरू का भी जिक्र किया प्रधानमंत्री ने, मनमोहन सिंह तक का भी जिक्र किया, तो वो तो बहुत ही समावेशी और ऐतिहासिक भाषण। और सोनिया गांधी से मिलते हुए बताइए, तस्वीरें सब देख रहे हैं आनंद जी। नहीं, ये तो बहुत अच्छा अवसर था और मैं अमिताभ से सहमत हूँ कि प्रधानमंत्री ने कल स्टेट्समैन लाइक भाषण दिया। और मतलब विरोध करने के लिए विरोध कर सकते हैं आप, कि इसका नाम नहीं लिया, राइट टू एजुकेशन नहीं, जैसे सोनिया जी प्रोवोक कर रही थी अधीर रंजन चौधरी प्रॉम्प्ट कर रही थी, प्रॉम्प्ट भी कर रही थी, प्रोवोक भी कर रही थी। मैं इसलिए कह रहा हूँ, टेली प्रॉम्प्टर पर सवाल उठाने वाले खुद प्रॉम्प्ट कर रहे थे ना। तो मैं वही देख रहा था कि वो मैं देख रहा था और अभी भी मुझे देखकर अच्छा लगा कि सोनिया जी ही सबसे लीड लेने वाली नेता के तौर पे थी। राहुल गांधी जी बड़े खामोश होके पिछली पंक्ति में बैठ के क्या कर रहे थे मुझे नहीं मिला, क्योंकि उनसे उस समय जितनी देर तक सोनिया जी पर कैमरा फोकस रहा। तो और कल संसद टीवी ने ये दिखाया भी, तो ये आरोप भी सिरे से खारिज हो जाता है कि उनको कम दिखाया जाता है, उनकी आवाज बंद कर दी जाती है, आदि आदि जो। तो मुझे लगता है कि इस वक्त हमें इन सारी चीजों को भूल के, जो आज गणेश चतुर्थी के दिन महिलाओं को आरक्षण देने का, और जो चार चीजें उनको इंडेक्स में होती है कि महिलाओं को सुरक्षा, महिलाओं के शिक्षा, महिलाओं के स्वास्थ्य और महिलाओं के राजनीतिक भागीदारी पर, ये चार जो चीज महिलाओं को लेकर है उसकी दिशा में उठाया गया ये ऐतिहासिक कदम होगा। और अभी आप लोग चर्चा कर रहे थे, अरे एक सुरेंद्र यादव तो अभी मंत्री हैं बिहार में, जिन्होंने बिल फाड़ी थी, अबू असीम आजमी ने भी छीना था, हंसराज आजमी ने भी छीना था, और उस समय रेणुका चौधरी ने उनको रोकने का प्रयास किया था। ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी हुई अपनी आंखों से। और ऐसा नहीं है, राजनीति बाबू ने भी फाड़ी थी बिल, अमिताभ जी को याद होगा। हाँ, राजनीति बाबू ने बिल फाड़ के और आसन की तरफ उछाल दिया था। नीतीश बाबू पहले महिला आरक्षण के विरोध में थे और बाद में अपने स्वभाव के अनुसार जाके वो उनके पक्ष में आ गए। ओम बिरला पहुंच चुके हैं, थोड़ी देर में संबोधन की शुरुआत होगी। तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं, सेंट्रल हॉल की संबोधन होगा, जो कल भी थीम थी, जो बताया गया पूरे पांच दिन की जो थीम है कि संविधान सभा से लेकर अब तक का भारतीय लोकतंत्र का, भारतीय संसदीय प्रणाली का पूरा इतिहास, अनुभव, सीख और वो तमाम चीजें, हमारी अचीवमेंट्स, सबका लेखा जोखा, तमाम चीजों को लेकर सबका संबोधन होगा। यादें, सांझी विरासत, 75 साल का इतिहास और कहां से कहां तक, 7500, मतलब जो प्रधानमंत्री ने कल जिस बात का जिक्र किया कि इन सालों में 7500 जनप्रतिनिधि चुनकर पहुंचे लोकसभा राज्यसभा, 7500, जिसमें से 600 महिला सांसद हैं जो अब तक चुनकर आई हैं, 600 के आसपास। उसी भागीदारी को बढ़ाने की कोशिश यहां पर महिला आरक्षण बिल के जरिए, और वो इसलिए भी अहम फैक्टर जरूरी हो जाता है आनंद जी, क्योंकि जो एम फैक्टर या महिला फैक्टर की बात है वो उज्ज्वला योजना के जरिए, वो इज्जत घर शौचालय के जरिए, वो तमाम शराबबंदी बिहार में, जब उसका भी बिहार में, वो तमाम इस तरह के फैसले हैं कि जिसका फायदा हुआ है, ट्रिपल तलाक। मैं ये कल से सुन रहा हूँ कि बड़ी जल्दीबाजी में उठाया गया कदम है, चुनाव के लिए उठाया गया कदम है, ये सब चीजें अगर आप पिछले 9.5 साल से, विशेषकर 4.5 साल को देखें, तो जिस प्रकार से महिला वोटरों में इजाफा हुआ है, उसको अगर आप देखें 18% से 28%, 2014 में 18% और अब 28%। राष्ट्रगान के साथ तो राजगान के साथ औपचारिक शुरुआत पार्लियामेंट में, सेंट्रल हॉल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जगदीप धनखड़,
ओम बिड़ला, मेनका गांधी, शिबू सोरेन, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम जो जनप्रतिनिधि सांसद सेंट्रल हॉल में मौजूद। और औपचारिक कार्यक्रम की शुरुआत जिसका जिक्र हम यहाँ पर भी कर रहे हैं, अमिताभ जी हैं, तहसीन पूनावाला मेरे साथ है, मनोज भाई हैं बीजेपी से हैं, अनंत विजय सिंह है जर्नलिस्ट हैं। ऐतिहासिक क्षण हमारे पीछे आप देख रहे हैं, पार्लियामेंट पुरानी इमारत, और यहाँ से प्रधानमंत्री ही अमिताभ जी संसद की प्रति खुद पुरानी बिल्डिंग से नई बिल्डिंग लेकर जाएंगे सारे सांसद। पुरातन काफी यादें, नवीनता की ओर काफी यादें हैं, लेकिन ये भी अद्भुत होगा क्योंकि प्रधानमंत्री अकेले नहीं होंगे, क्योंकि सारे जिन नेताओं को बोलने का मौका मिला है कई वरिष्ठ नेता हैं अभी भी संसद में। और इसी पल को एक साथ जीने के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं संसद के ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में। आप सभी माननीय विशिष्ट जनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं शत शत वंदन। कार्यक्रम को प्रारंभ करने हेतु मेरा सादर अनुरोध माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से कि वे स्वागत संबोधन प्रस्तुत करें। आप सभी को नमस्कार। आई एम फीलिंग प्राउड प्रिविलेज्ड टू बी द पार्ट ऑफ दिस हिस्टोरिक ओकेजन वेयर वी हैव असेंबल्ड इन दिस आइकॉनिक सेंट्रल हॉल फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ आवर 75 ईयर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक जर्नी एंड शिफ्टिंग टू द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया and the chairman of Rajya Sabha, Shri Jagdeep Dhankar ji, to gracing this momentous occasion. I welcome the most popular, dynamic, honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, who has been real force behind giving us the new temple of democracy in the shape of न्यू स्टेट ऑफ आर्ट पार्लियामेंट हाउस बिल्डिंग व्हिच इज एमर्जिंग एज ए सिंबल ऑफ आत्मनिर्भर भारत। आई ऑल्सो वेलकम ऑनरेबल स्पीकर श्री ओम बिरला जी, डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा श्री हरिवंश जी, लीडर ऑफ द राज्यसभा श्री पीयूष गोयल जी, लीडर ऑफ द अपोजिशन राज्यसभा श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, लीडर ऑफ दी लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इन द लोकसभा श्री अधिरंजन चौधरी जी, ऑल माय कलीग मिनिस्टर्स, अदर सीनियर लीडर्स, फेलो एमपीज फ्रॉम दी बोथ दी हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट टू दिस फंक्शन व्हिच हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड टू कमेमोरेट द लास्ट सिटिंग ऑफ द बोथ दी हाउस हेल्ड एस्टरडे इन द रिस्पेक्टिव चेंबर्स। टुडे ऑनवर्ड्स our two houses of the parliament shall have their sittings in the new parliament house building. We all know that this central hall has witnessed transfer of power from Britain to Bharat, the formation and adoption of our constitution by the constituent assembly has been host to some very important occasions like rollout of GST, One Tax, One Nation, a finest example of cooperative federalism in our parliamentary democracy. There were three joint sittings of the both the houses of the parliament for resolving the deadlocks under the Article 108, that is the Dowry Prohibition Bill 1959, the Banking Service Commission Repeal Bill 1978, Prevention of Terrorism Bill 2002. You all know that Lok Sabha and Raj Sabha were sitting in this building since 13th May 1952. Along with all my fellow members of the parliament and other stakeholders of this parliament, I am very happy and enthusiastic about the functions of the two houses of the parliament henceforth from the new building, which is the symbol of new and emerging Bharat, paving the way for the developed nation as envisaged by Prime Minister by 2047. At the end, I would like to say that our journey so far is marked by excellent achievements, memorable experience, difficult challenges, remarkable milestones.
As we go ahead, let us learn from our previous experiences so far and reaffirm our commitment to our historic democratic values and tirelessly work for the betterment of the person in last in the queue. Jai Hind.